Hello, my dear students. Good morning to all. Students, let's start your online study. So, firstly, take out your moral values book and open your chapter number 5, The Creation of the Universe. Students, let's start. There was chaos on earth, darkness and gloom when God decided to give order lines to it. पृथ्वी पर बहुत अंधकार था, बहुत दुख उदासी पूर्ण माहौल था जब भगवान ने उसे ऑर्डर लाइन देना तय किया था. लेट अस रीड द बाइबल स्टोरी द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड. इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ. शुरुआत में भगवान ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया. द अर्थ वॉज विदाउट अ फॉर्म एंड वॉइड एंड सराउंडेड बाय डार्कनेस एंड गॉड सेट लेट देयर बी लाइट एंड देयर वॉज लाइट. भगवान ने जब स्वर्ग को बनाया, पृथ्वी को बनाया, तो वो विदाउट फॉर्म थी, उसका कोई रूप नहीं था, कोई आसपास उसके चारों तरफ अंधेरा था. भगवान ने कहा कि लेट देयर बी लाइट, यहाँ पे लाइट होनी चाहिए, और देयर वॉज लाइट, तो वहां पर लाइट आ गई, वहां प्रकाश आ गया. एंड गॉड सॉ दैट द लाइट वॉज गुड. भगवान ने कहा कि ये लाइट अच्छी थी, प्रकाश अच्छा था. एंड गॉड सेपरेटेड द लाइट फ्रॉम द डार्कनेस. तो भगवान ने अंधेकार से अलग एक लाइट को कर दिया. गॉड कॉल्ड द लाइट डे एंड द डार्कनेस नाइट. भगवान ने उसे लाइट डे पुकारा और डार्कनेस को रात को पुकारा. एंड देयर वॉज इवनिंग एंड देयर वॉज मॉर्निंग. अभी तो यह शाम और सुबह हो गई थी. दिस वॉज द फर्स्ट डे, यह पहला दिन था. एंड गॉड सेड लेट देयर बी एन एक्सप्रेस इन द मिड्स विद द वॉटर्स लेट्स एंड लेट इट सेपरेट द वॉटर्स फ्रॉम द वॉटर्स. और होना और पानी से पानी अलग होना चाहिए. एंड गॉड कॉल्ड द एक्सप्रेस हेवन. भगवान ने उसे महंगा स्वर्ग बताया. द गॉड सेड, भगवान ने कहा, लेट द वॉटर्स अंडर द हेवन्स. पानी जो है स्वर्ग के नीचे से जाना चाहिए. टू बी गैदर्ड टूगेदर्ड ऑन इन टू वन प्लेस एंड लेट द ड्राई लैंड अपीयर. पानी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहिए और दूसरा स्थान जो है वो सूखा रहना चाहिए, धरती सूखी रहनी चाहिए. एंड इट वॉज सो, ऐसा हुआ था. एंड गॉड कॉल्ड द ड्राई लैंड अर्थ. तो भगवान ने उसे सूखी धरती पृथ्वी बताया. एंड द वॉटर्स गैदर टूगेदर ही कॉल्ड द सीज. और जो पानी आपस में मिलजुल रहा था, हिलोरे ले रहा था, उसे समुद्र पुकारा गया. दिस वॉज द सेकेंड डे, यह सेकेंड डे था. एंड गॉड लेट द अर्थ स्प्राउट वेजिटेशन प्लांट्स यील्डिंग सीड एंड लेट द ट्रीज बियर फ्रूट इन विच इज देयर सीड ऑन अर्थ. द अर्थ ब्रॉट फ्रॉम वेजिटेरियंस प्लांट्स यील्डेड सीड्स एंड ट्रीज बोर फ्रूट. दिस वॉज द थर्ड डे. And God said, "Let there be lights in the expanse of the heavens to separate the day from night." उसके बाद भगवान ने कहा कि यहाँ पर प्रकाश भी होना चाहिए, स्वर्ग से अलग होना चाहिए, और दिन और रात भी अलग होनी चाहिए. The let them be four signs and four seasons and four days and years. And let there be lights in the division of the heaven to give light upon the earth. And it was so. तो ऐसा था. God made the two great lights. भगवान ने दो महान प्रकाश बनाए. The greater light to the rule the day. जो greater light थी वो दिन को चलाती थी. And the lesser light to the night. और जो कम प्रकाश वाली थी वो रात कहलाती थी. He made the stars also. उन्होंने सितारे भी बनाए थे. This was the fourth day. ये fourth day था. And God said, उसके बाद भगवान कहते थे कि let the waters bring forth abundantly swarms with living creatures. And let bird fly above the earth across the expanse of the heavens. So God created the great sea. इसलिए भगवान ने great sea बनाया. Creatures and every winged birds. For प्रत्येक प्राणी के लिए, प्रत्येक विंग पक्षियों के लिए. And God blessed them. और भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया उन सबको. Saying कह रहे थे, be fruitful and multiply and fill the waters in the sea. आप फ्रूटफुल रहें, मल्टीप्लाई रहें एंड द पानी से भरे हुए समुद्र हमेशा रहें. एंड लेट बर्ड्स मल्टीप्लाई ऑन द अर्थ. और बर्ड्स जो है वो पृथ्वी पर इधर उधर विचरण करते रहें. दिस वॉज द फिफ्थ डे, यह पांचवा दिन था. एंड गॉड सेड, भगवान ने कहा, लेट द अर्थ ब्रिंग फोर्थ लिविंग क्रिएचर अकॉर्डिंग टू द देयर काइंड. चलो पृथ्वी पर फोर्थ लिविंग क्रिएचर को बनाते हैं उनके प्रकार के अनुसार. ले स्ट्रोक एंड द क्रिएपिंग थिंग्स बी एंड बीस्ट ऑफ द अर्थ. तो फिर उन्होंने लिविंग स्ट्रोक एंड क्रिएपिंग के थिंग्स के बीट्स को पृथ्वी पर बनाया. एंड गॉड मेड द बीस्ट ऑफ द अर्थ एंड द लिविंग स्ट्रोक एंड एवरीथिंग दैट क्रीप्स ऑन द ग्राउंड. एंड गॉड सॉ दैट इट वॉज गुड. भगवान ने देखा कि यह बहुत अच्छा था. एंड गॉड सेड, उसके बाद भगवान ने कहा, लेट अस मेक मैन इन अवर इमेज.
भगवान ने कहा कि मैं अपनी इमेज के अनुसार एक इंसान को बनाऊं, आफ्टर आवर लाइकनेस, अपनी पसंद के अनुसार के बाद, एंड लेट देम हैव डोमिनियन ओवर द फिश ऑफ द सी, एंड लेट देम, और उन्हें एक फिश के, समुद्र के फिश के रूप में बनाऊं, ओवर द बर्ड्स ऑफ द हेवंस, ओवर द लाइव स्टॉक, पक्षियों से ऊपर, स्वर्ग से ऊपर, एंड द लाइव स्टॉक से ऊपर, ओवर ऑल द अर्थ, पृथ्वी से ऊपर, ओवर एवरी क्रिएटिंग थिंग दैट क्रिएट अपॉन द अर्थ. सो गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज. तो भगवान ने अपनी इमेज के अनुसार इंसान को बनाया. गॉड क्रिएटेड हिम, भगवान ने उसे बनाया, मेल एंड फीमेल, एंड ब्लेस्ड देम, उन्होंने उसे पुरुष और स्त्री के रूप में बनाया, उन्होंने आशीर्वाद दिया. गॉड सेड टू देम, भगवान ने उनसे कहा, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई एंड रिप्लेनिश द अर्थ. And subdue it and have dominion over the fish, birds and over every living thing that moves upon the earth. And God said, behold, ruk jao, I have given you every plant and every tree. मैं आप सभी को प्रत्येक पौधा और प्रत्येक पेड़ देता हूँ. You shall have them for food. तुम उसका प्रयोग, तुम उन्हें अपने भोजन के लिए रखना. And to every beast and the bird and everything that creeps upon the earth. और जो सभी बीट्स, बर्ड्स और जो भी कुछ क्रिएप्स हैं, जो क्रिएचर्स हैं, वो पृथ्वी पर विचरण करते रहे. आई हैव गिवन एवरी ग्रीन प्लांट फॉर फूड. मैं प्रत्येक ग्रीन प्लांट आपको भोजन के लिए देता हूँ. दिस वॉज द सिक्स डे. दस द हेवंस एंड द अर्थ वर क्रिएटेड. इस प्रकार स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण हुआ था. एंड ऑन द सेवंथ डे, और सातवें दिन, गॉड हैड फिनिश्ड हिज वर्क विच ही हैड मेड. भगवान ने अपना वो काम खत्म कर दिया था जिसके लिए उन्हें बना चुका था. गॉड देन ब्लेस्ड द सेवंथ डे. उसके बाद भगवान ने सातवें दिन को ब्लेस्ड किया एंड सैंक्टिफाइड इट, और उसे सैंक्टिफाइड किया, एंड मेड इट, और उसे बनाया होली बिकॉज ऑन दिस डे, और उसे पवित्र, उस दिन पर पवित्र बना दिया, क्योंकि ही रेस्टेड फ्रॉम ऑल हिज वर्क विच ही हैड डन. उन्होंने उसे पवित्र बना दिया क्योंकि उस दिन के बाद जब उनका काम खत्म हो गया तो वो रेस्ट पर चले गए, क्योंकि वे अपना काम कर चुके थे. क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, संसार का निर्माण कर चुके थे. गॉड मेड द अर्थ एंड द हेवंस. भगवान ने पृथ्वी और स्वर्ग को बनाया. ओके स्टूडेंट्स, गुड लक.